करना है कितना को मल्टीप्लाई 3 रूट 11 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 5 3 15 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई क्यों करेंगे? क्वेश्चन है 3 नंबर सिस्टम में पहला को ऐड करना है, सेकंड क्वेश्चन था मल्टीप्लाई करना था, थर्ड क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है। एनी डाउट किसी को? ओके, नंबर सिस्टम ये 9th क्लास का है। सबसे पहले हमको लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर सिस्टम रूट 5 रूट 6 रूट 7 को नंबर लाइन पे, कैसे इसको हम लोग रियल लाइन पे जिन्हों रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स को एक्स, एक एक्स डैश एक्स और एक्स डैश एक लाइन खींचते हैं परमाणु से कितना होता है। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस हुआ, ये ऊपर से जो खींचाएगा वो वाई एक्सिस हो जाएगा। टेक ओ एज ए सेट ओरिजिन टू रिप्रेजेंट ओ, एक ओ लेते हैं पिन पॉइंट, समझे, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट लेट मतलब माना, ओ ए बराबर टू यूनिट, यहाँ से ओ एक खींचते हैं, ओ ए ड्रॉ करते हैं, वो ओ ए कितना होता है 2 यूनिट्स का होता है, कितना यूनिट्स का होता है 2 यूनिट्स का होता है। लेट ए बी लंब परपेंडिकुलर ओ ए, ए बी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो ओ बी बराबर ओ बी इक्वल टू रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर, ये ओ ए में रखो करने से स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वेरी गुड। तो ओ बी इक्वल टू रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये ए बी हो गया मेरा, ये मेरा बेस ओ ए इक्वल टू ए ओ ए बेस हुआ और ए बी क्या हुआ परपेंडिकुलर उसका लंब हो गया, समझे। तो रूट अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर रूट अंडर में ही जान लेंगे, जितना लेंथ का ये होगा, जितना लेंथ का ये है इससे हम लोग एक आर्क खींच लेते हैं, ये मेरा कितना हो गया रूट अंडर टू हो गया, यहाँ से ओ ओ पी आर्क ओ पी कितना हो गया एक आर्क गया, इसको नीचे नीचे करते हैं, ये मेरा वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर रूट टू का वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया रूट अंडर टू। फिर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री आर्क लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री मेरा यहाँ पे हुआ 190 डिग्री, यहाँ पे इसको लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये फिर इसको यहाँ से मिला दिए, यहाँ से इसको ओरिजिन पॉइंट में मिला देते हैं, मिलाने के उपरांत क्या होता है यहाँ से मेरा ओ सी आर्क लेते हैं, ओ सी जो है ओ सी से आर्क लेके हम लोग यहाँ पे देख रहे हो ये ड्रॉ कर देते हैं, ये क्यू हो गया, ये क्यू ये रूट अंडर थ्री हो गया, कितना हो गया रूट अंडर थ्री। फिर हम लोग अगर रूट अंडर फाइव का फाइंड आउट करना रहेगा रूट अंडर फाइव, तो यहाँ से फिर 90 डिग्री लेने के बाद 90 डिग्री यहाँ आ रहा है ना, लाइन खींच देंगे इसको यहाँ से, फिर इसको इस यहाँ से मिला देंगे इसको ओ के पास, जितना आर्क फिर ओ या मान लो पेंसिल आप पी डाल देंगे, फिर यहाँ से एक आर्क ले लेंगे, ले लिए और लेने को जितना होता है यहाँ से, फिर यहाँ से हम लोग एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे, देखो ये कितना वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू कितना हो गया ये रूट थ्री निकल, रूट टू निकल गया, रूट थ्री निकल, रूट अंडर फाइव निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा रूट अंडर फाइव निकल जाएगा, रूट अंडर टू रूट अंडर थ्री रूट अंडर रूट अंडर फोर यहाँ पर लिख देंगे इसमें रूट अंडर टू हो गया, ये रूट अंडर थ्री रूट अंडर नहीं रूट अंडर फाइव हो जाएगा। ये आपका नंबर लाइन पे हम लोग कैसे धरना रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को, रूट अंडर टू को रूट अंडर थ्री को रूट अंडर फाइव को, वो आप कुछ सीख लिए इसको अपने से बना सकते हैं हम, कैसे नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे हम लोग कैसा नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं
जैसे रूट अंडर 3 हो, रूट अंडर 5 हो, रूट अंडर 6 हो, बना लीजिएगा आप लोग। हां अंडर को दिला सकते बना के। यस इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है? पंकज। Correct answer, good. Now, come here. Can you solve this question? Solve here. Right answer.